नमस्कार, मैं देवकी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च। इससे पहले हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, यानी कि सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें कि सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में किसी भी घटना, सामाजिक जीवन, मानव व्यवहार अथवा सामाजिक समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि के द्वारा या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है, और इसके अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण, सामान्यकरण के द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है, और जो भी यथार्थ स्थिति है या वस्तु स्थिति है उसकी तार्किक ढंग से विवेचना की जाती है। तो आज हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं सामाजिक अनुसंधान में। तो सबसे पहली जो विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की वो है वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन, यानी कि सामाजिक अनुसंधान में जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, किसी भी घटना के बारे में शोध कार्य करते हैं, तो जो हमारा जो अध्ययन है उसमें हम वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, और वैज्ञानिक पद्धति के जो विभिन्न चरण हैं, विभिन्न स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का उपयोग करते हुए, उन चरणों का उपयोग करते हुए हम किसी भी सामाजिक प्रघटना या सामाजिक घटना का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, यानी कि कोई भी चरण इसमें छूटना नहीं चाहिए, और सभी चरणों से गुजरते हुए हम, यानी वैज्ञानिक विधि का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम सामाजिक अनुसंधान में किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की वो है नवीन प्रविधियों का विकास, अर्थात सामाजिक अनुसंधान में हम किसी भी घटना के अध्ययन के लिए जो भी हमारे पास वैज्ञानिक प्रविधियाँ या वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक पद्धतियाँ उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करते हैं, साथ ही हम नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देते हैं। यानी कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके अध्ययन के लिए जो हमारे पास प्रविधियाँ हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम समय के अनुसार नवीन वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास पर भी जोर देते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है नवीन ज्ञान का सृजन, यानी कि सामाजिक अनुसंधान में हम सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, उनका व्यवस्थित अध्ययन तो करते ही हैं, साथ में इन घटनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारी या नवीन ज्ञान के सृजन के विकास पर जोर दिया जाता है, यानी कि नई से नई या नवीनतम जानकारी हमें सामाजिक घटनाओं के बारे में प्राप्त हो, उस बात का विशेष जोर, उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है सामाजिक अनुसंधान में। नेक्स्ट जो है कार्य कारण संबंधों की खोज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सामाजिक घटनाएं होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे से संबंधित होती है, तो उन घटनाओं के बीच जो भी संबंध पाए जाते हैं, कार्य कारण या प्रकार्यात्मक संबंध पाए जाते हैं, इन संबंधों की खोज सामाजिक अनुसंधान में की जाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि बाल अपराध
और गंदी बस्तियों के बीच कार्य कारण संबंध हो सकता है। और इसी प्रकार अशिक्षा और गरीबी के बीच कार्य कारण संबंध हो सकता है, यानी कि जो जहाँ पे गंदी बस्तियाँ पाई जाती है वहाँ पे बाल अपराध की जो दर है वो अधिक हो सकती है, या अशिक्षा गरीबी को बढ़ावा दे सकती है। तो इस प्रकार विभिन्न घटनाओं के बीच जो कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं उन कार्य कारण संबंधों की खोज सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट जो विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की वो है प्राकल्पना की जांच। प्राकल्पना या उपकल्पना, तो प्राकल्पना का मतलब होता है कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। मतलब जब हम कोई भी अनुसंधान कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम प्राकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, और अध्ययन के दौरान या शोध कार्य के दौरान उस प्राकल्पना की जांच की जाती है कि वो प्राकल्पना जो हमने बनाई है वो सही है अथवा गलत है। यानी कि प्राकल्पना हमारी जो है वो सही भी सिद्ध हो सकती है अध्ययन के अंत में जो भी हमारे पास निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, और गलत भी सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण, यानी कि समाजशास्त्र में जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं अभी तक, क्योंकि परिवर्तन समाज का नियम है या प्रकृति का नियम है, तो जो सिद्धांत पहले बन चुके हैं या बनाए गए हैं तो उन सिद्धांतों की समय के अनुसार पुनर्परीक्षा की जाती है सामाजिक अनुसंधान के दौरान, और साथ ही उनके सत्यापन का कार्य भी सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है, और ये पता लगाया जाता है कि वर्तमान में भी वो सिद्धांत पूर्व में बनाए गए सिद्धांत वो प्रासंगिक है अथवा नहीं है। यदि उनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन किया जाता है और पुराने सिद्धांतों के स्थान पर नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नए सिद्धांतों का निर्माण। जैसा कि अभी बताया कि सामाजिक अनुसंधान में जो भी हम अध्ययन कार्य करते हैं सामाजिक घटनाओं के बारे में, समाज के बारे में, तो जो भी हमारे पास अंत में निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो निष्कर्ष, क्योंकि हम अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन करते हैं, तो जो भी हमारे पास निष्कर्ष प्राप्त होंगे अध्ययन के दौरान वो बिल्कुल सही होंगे, और इन निष्कर्षों के आधार पर फिर हम नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याओं का हल। यानी कि सामाजिक अनुसंधान में जब अध्ययन कार्य किया जाता है तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि विशुद्ध ज्ञान की खोज की जाती है। इसके साथ ही जो ज्ञान प्राप्त होता है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हमें उस ज्ञान का प्रयोग समाज की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए भी किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें सैद्धांतिक मतलब है सिद्धांतों से संबंधित, तथ्यों से संबंधित, साथ ही जो व्यावहारिक समस्याएं हैं समाज की, दोनों ही प्रकार की समस्याओं के हल के लिए सामाजिक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान की या सामाजिक शोध कार्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ये जो विशेषताएं हैं वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन, नवीन प्रविधियों का विकास, नवीन ज्ञान का सृजन, कार्य कारण संबंधों की खोज, प्राक कल्पना की जांच, सिद्धांतों का निर्माण,
सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण, नए सिद्धांतों का निर्माण और सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याओं का हल। ये विशेषताएं सामाजिक अनुसंधान में पाई जाती है।